जय बोलो देवाधिदेव एकाधाराठ श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रमाणिक संत महामनमुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज विराट सागर जी महाराज की। सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट जी की। मनुष्य के मन में अंतहीन इच्छाएं हैं। इच्छाओं का सिलसिला कुछ इस प्रकार होता है, एक पूरी होती है उसकी जगह दूसरी ढेर सारी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। कहा गया है कि इच्छा आकाश के समान अनंत है, उसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। और मनुष्य अपनी इच्छाओं के कारण ही दुखी है, उसके हृदय में इच्छाओं का ज्वार जितनी अधिक वेग से उत्पन्न होता है उसका जीवन उतना अधिक दुखी होता है। इसलिए धर्म और अध्यात्म शास्त्र कहते हैं अपनी इच्छा को अनिच्छा में परिवर्तित करो। इच्छा को अनिच्छा में बदलना एक बहुत बड़ी साधना है और आज बात मैं उसकी ही करने जा रहा हूँ। सम्यक दर्शन का दूसरा अंग है निष्कांक्षा अंग। निष्कांक्षा अंग के अर्थ को अगर हम सीधे सीधे निष्कांक्षा शब्द पर विचार करते हैं, कांक्षा रहित हो जाना, वांछा रहित हो जाना, इच्छा रहित हो जाना। अगर इच्छा रहितता की बात करें तो आज तो इच्छा रहित कोई नहीं है, ना हम हैं ना आप हैं क्या? यहाँ आए हो कोई इच्छा लेकर आए हो या बिना इच्छा के आए? ना हम भी आपको सुना रहे हैं तो कोई ना कोई इच्छा लेकर के सुना रहे हैं, बिना इच्छा के नहीं। तो फिर महाराज एक तरफ आप कहते हैं जो इच्छातीत है वह सम्यक दृष्टि है, सम्यक के लिए निष्कांक्ष हो, आकांक्षा रहित हो जाओ, और दूसरी तरफ इच्छा और आकांक्षा से युक्त भी हैं, तो फिर तो मतलब क्या निकला? हम सब तो सब इच्छा युक्त हैं, हम सब आकांक्षा युक्त हैं, तब फिर तो हमारे अंदर मामला बिगड़ गया ना। क्या हुआ महाराज? आपने तो चिंता में डाल दिया, चिंता में डाल दिया। हम निष्कांक्षा कैसे पाए? बंधुओं आज चार बातें आप सबसे करूंगा। आकांक्षा, भोगाकांक्षा, दुराकांक्षा और निष्कांक्षा, इन चारों बिंदुओं पर विचार जरूरी है। सबसे पहली बात आकांक्षा की है। हर संसारी प्राणी के हृदय में कुछ न कुछ आकांक्षाएं होती है। जैसे आप अभी आए आकांक्षा लेकर, मैं अपनी बात सुना रहा हूं आकांक्षा और इच्छा से प्रेरित होकर। जब तक प्रवृत्ति है तब तक आकांक्षा है, इससे कोई बच नहीं सकता। मुनि जन भी वांछातीत नहीं होते प्रवृत्ति के काल में। आकांक्षाएं तब मिटती है जब साधक अपने में डूब जाता है, लीन हो जाता है, लेकिन वह भूमिका हर किसी के पास नहीं होती। ठीक है, तुम्हारे अंदर आकांक्षा है तो कहते आकांक्षा तुम्हारे सम्यक दर्शन में बाधक नहीं। जिस निष्कांक्षा की बात मैं आज आप सबसे करने जा रहा हूं वो आकांक्षा रहित होने की नहीं है।
तो फिर महाराज क्या है, भोगाकांक्षा से रहित होने की है। आकांक्षा यानी इच्छा और भोगाकांक्षा यानी भोगों की इच्छा। तुम देखो तुम्हारे अंदर की आकांक्षा या इच्छा कैसी है। एक इच्छा है स्वपर के कल्याण की, एक इच्छा है भगवान की सेवा पूजा की, एक इच्छा है अपने आत्मा के उद्धार की, एक इच्छा है संयम और साधना की, एक इच्छा है त्याग और तपस्या की, एक इच्छा है पूजा और पाठ की, एक इच्छा है दान और पुण्य की, एक इच्छा है सत्कर्म करने की, ये भी इच्छा है, और एक इच्छा है भोग और विलास की, एक इच्छा है मौज और मस्ती की, एक इच्छा है किसी को सताने की, एक इच्छा है किसी को गाली देने की, एक इच्छा है किसी का गड़ा धन हड़पने की, एक इच्छा है किसी को नुकसान पहुंचाने की, एक इच्छा है किसी को सताने की, एक इच्छा है किसी का खून चूसने की, एक इच्छा है किसी का दमन करने की, एक इच्छा है किसी का शोषण करने की। इच्छाएं तो दोनों और है ना। कौन सी इच्छा, पहले तो अपने मन में टटोल कर देखो मेरे अंदर कौन सी इच्छा है। अगर शुभेच्छा है सदेच्छा है तो वो आकांक्षा है, और अशुभेच्छा है असद इच्छा है तो समझना वो भोगाकांक्षा है। इसमें भी दो स्तर है, एक अपने जीवन के लिए आवश्यक जो भी साधन है उसे अपनाने की वांछा होना, उस भोगाकांक्षा की पूर्ति करना अपने सुख को भोगने के लिए, और एक आकांक्षा है जिसमें अपने सुख को भोगने की बात नहीं है, औरों को दुखी पहुंचाने की, दुखी बनाने की है, वो तीसरे कैटेगरी की दुराकांक्षा में आएगी। भोगाकांक्षा मनुष्य के मन में होती है कि नहीं है, बोलो। हर व्यक्ति के अंदर है, पांच इंद्री के विषयों के भोगों की आकांक्षा मन में होती है। निष्कांक्षित अंग कहता है इस भोगाकांक्षा को घटाओ। आकांक्षा तीत ना हो सको कोई चिंता नहीं, पर भोगाकांक्षा को तो मंद करो। क्यों करो मंद? क्योंकि हमारे जीवन की व्याकुलता की जड़ मन में पलने वाली भोगाकांक्षाएं हैं। किसके कारण दुखी हो? अपनी भोगाकांक्षाओं के कारण ही तो दुखी हैं। क्यों है भोगाकांक्षा के कारण दुखी है? भोगाकांक्षा है क्या? है भोग, हमें देते क्या है? तो आचार्य समंत भद्र महाराज ने चार बातें बताते हुए, उनने भी चार ही बताई है, ये सब वहीं से आया, चार बातें बताते हुए कहा कि देख, कर्म पर वसई शांते दुखे रंतिरतोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा ना कांक्षा ना स्मृता। जिन भोगों को, जिन पंचेंद्री के विषयों का तुम आलंबन लेकर अपने आप को सुख पहुंचाना चाहते हो या अपने आप को सुखी मानते हो, वो सुख सुख जैसा नहीं है। वो सुख सुख नहीं है, सच्चे अर्थों में सुख के नाम पर दुख है। क्यों? चार बातें बताई। पहला, कर्म पर वसे। क्या है? कर्म के अधीन है। किसके अधीन है? कर्म के अधीन है। तुम्हारी घरवाली ने बढ़िया चाट बनाया है और तुम्हारे ऑफर पर बनाया,
तुम घर गए हो खाने के भाव से और मुंह में छाला हो गया, क्या होगा बोलो? हाँ, बादाम का हलवा बना है और डिसेंट्री है, क्या करोगे? खाओगे कि देख के संतोष करोगे? बोलो। तो ये पंचेंद्रिय का एक विषय तुम्हारे मनोनुकूल है, तुम चाहते हो कि मैं जैसा चाहूं वैसा साधन जुटा सकता हूं। तुमने जुटाया पर भोग कर पाए क्या? बोलो, भोग कर पाए? नहीं कर पाए ना। किसके अधीन? कर्म के अधीन। पहली बात कि संयोग जो भी मिलेंगे पंचेंद्रिय के विषयों के, वे तुम्हारे कर्म की अनुकूलता पे ही मिलेंगे। पुण्योदय है तो मिलेंगे, लेकिन मिलने के बाद भी भोग भी तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारा कर्म अनुकूल हो, है ना? कर्म पर वसे, बड़ी स्पष्ट बात है। जो मेरे अधीन नहीं है, जिस पर मेरा जोर नहीं चलता, जो मेरे वश में नहीं है, उस चीज को पाने और जुटाने की तत्परता मुझे व्यग्र और बेचैन ही करेगी या सुखी बनाएगी? हाँ, तो आचार्य कहते हैं भैया जल को समझ लो। मनोनुकूल भोजन की सामग्री मिलना, उसे खाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो मिला है उसे मनोनुकूल बनाना तुम्हारे हाथ में है। तो सुख भोगना है तो उसे भोगो जो तुम्हारे हाथ में है। उस सुख के पीछे पागल मत हो जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। बात समझ में आ रही? तो बात जड़ की समझो। क्या है संसार का सुख? पहली बात कर्म पर वसई, दूसरी बात शांत, टिकाऊ नहीं है, अंत सहित है। बहुत जल्दी इसकी रुचि खत्म हो जाती है। अपने जीवन के अनुभव को पलट करके देखो, पंचेंद्रिय के विषयों से तुम्हें जो भी सुख मिला, क्या उसमें निरंतरता रही? देखो, रोज का अनुभव बताता हूं। भोजन के लिए बैठते हो, मन माफिक भोजन की सामग्री तुम्हारे पास है, तुम्हारी रुचि के अनुकूल एक से एक सुस्वादु चीजें है ना? जैसे भोजन करने बैठते हो, शुरुआत में जैसा स्वाद आता है, बाद में क्या हुआ? हाँ, समझ में आ रही बात? पहले ग्रास में जितनी रुचि, दूसरे ग्रास में उससे कम, तीसरे ग्रास में उससे कम, और पेट भर जाने के बाद वही रुचि अरुचि में बदल जाती है ना? किसी पंगत में गए हो, बढ़िया भोजन कर लिया, उसके बाद कोई कहे भैया रसगुल्ला खा लो, पहले तो खूब खा लिया, एक पीस और प्लीज, एक पीस, नहीं भैया अब उल्टी हो जाएगी। क्या होगी? अभी तक तो सुल्टी हो रही थी, अब क्या होगी? अब नहीं। क्यों? यही पंचेंद्रिय के विषयों की असलियत है, शांत। आप गर्मी में चलकर आए हो, प्रचंड लू चल रही, दोपहर का 2 बजे का समय, चल कर आए, प्यास भी लग रही, शरीर तप रहा है, और यहाँ आए और आपको बढ़िया भोजनशाला में ठंडाई मिल गई, वो भी एकदम ठंडी फ्रीज की, सुख मिला कि नहीं? बोलो। हाँ, अरे महाराज तरावट आ गई है ना? किससे आई तरावट?
ठंडाई मिलने से ना, है ना। तो एक गिलास ठंडाई दिया, आपका चेहरा खिल गया, अरे क्या बढ़िया, एक गिलास और दूं चलेगा, ठीक है। ठंडाई पीने से तरावट आई तो दूसरे गिलास में ज़्यादा तरावट आनी चाहिए, तीसरे में और ज़्यादा आना चाहिए, चौथे में और ज़्यादा आना चाहिए। क्या हुआ, क्या हुआ, कितना पियोगे? तो हकीकत क्या है, ठंडाई ने तुम्हें सुख नहीं पहुंचाया, प्यास की अधिकता के कारण तुम्हें सुख मिला। इसका मतलब संसार का सुख पाना है तो पहले दुख बुलाओ। भूख हो तो भोजन की रुचि है, भरे पेट में क्या रुचता है, तो पहले भूख पैदा करो फिर भोजन करो, पहले प्यास जगाओ फिर ठंडाई पियो, और वो भी थोड़ी देर तक, फिर शांत। अंत सहित है, मिट जाने वाला टिकाव नहीं है। हम जब छोटे थे तो एक मिठाई आती थी, उसको बोलते हैं हवा मिठाई, आपके यहाँ क्या बोलते मुझे नहीं मालूम, हाँ गुड़िया के बाल, ये अच्छा नहीं, हवा मिठाई बोलना चाहिए, किसी के बाल क्यों खाओ। हवा मिठाई बिल्कुल, कितनी अच्छी लगती, लाल लाल गुलाबी गुलाबी, आजकल मिलती कि नहीं मिलती, मिलती है ना, हाँ पहले तो नुक्कड़ों में मिलती थी, नहीं 5-स्टार होटलों में आज भी मिलती होगी, वो तो अलग चीज हो गई, वो देखने में कितनी खूबसूरत, हाँ है ना, कितनी अच्छी लगती, इतनी बड़ी बड़ी, और मुंह में डालते ही सब हवा, क्या हो गई, इसीलिए उसको कहते हैं हवा मिठाई। अरे भाई, केवल वही हवा मिठाई नहीं है, पांचों इंद्रियों के जो भी विषय हैं सब हवा मिठाई की ही भांति है। अल्पकाल तक तुम्हें सुख देंगे, बाद में दुखदाई है। शांत है, नष्ट हो जाने वाले, टिकाऊ नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तीसरी बात, दुखे रंतरितो दे, वो दुख से मिश्रित है, सुख तो देते हैं पर उतना ही दुख भी देते हैं। क्या देते हैं, जितना सुख देते हैं उतना ही दुख देते हैं। शरीर में कहीं खाज हो, खुजाते हो, बोलो खुजाते हो कि नहीं, महाराज खुजाते ही, खुजाते समय कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना, बोलो खाज खुजाने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता, और उसके बाद क्या होता है, अपने अनुभव से बोल रहे हो, बोलो उसके बाद जलन होती है, ज्यादा खुजा लो तो घाव होता है, होता है, इसलिए क्या कहते हैं, अरे खाज चले तो खुजाओ मत। संत कहते हैं पंच इंद्री के विषयों की भोग, विषयों को भोगने की इच्छा एक प्रकार की खाज है, और उसे खुजाओगे जितनी राहत मिलेगी उससे ज्यादा तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए समझदार लोग क्या करते हैं, खाज आती है तो खाज खुजाने की जगह उस पर कोई लोशन या मरहम लगा लेते हैं ताकि खाज जल से मिट जाए, बार बार खाज खुजाने का चक्कर ही ना पड़े, यही करते हैं ना। ऐसे ही ज्ञानी जीव के हृदय में जब कभी विषयों की खाज उत्पन्न होती है तो भोगने की खाज खुजाने की जगह वैराग का ऐसा लोशन लगाते हैं कि खाज ही हमेशा हमेशा को समाप्त हो जाए, वो खाज खत्म हो जाती है, फिर उस खाज में कुछ बचता सा नहीं है। दुख
सुखैरन्तरितोदये। आपने कभी देखा होगा कि कुत्ता होता है ना, कुत्ता वो सूखी हड्डी चबाता है, और जब सूखी हड्डी चबाता है तो चबाते चबाते उसके मसूड़े छिल जाते हैं, और मसूड़े छिलते हैं तो उसका रस निकलता है, उसमें उसको स्वाद आता है, तो सोचता है ये हड्डी का स्वाद है। किसका स्वाद है? और जब थक कर हड्डी छोड़ता है तो पूरा मुंह दुखता है, क्यों? हड्डी में कुछ था क्या? यही अज्ञान है। वस्तुतः सुख का भंडार हमारे भीतर है, बाहर के विषयों में नहीं, पर अज्ञानी प्राणी उसे नहीं जानता, इसलिए उसी में रमा रहता है। तो वो क्या है? दुख से मिश्रित है। संसार के हर सुख में दुख है। महाराज ये बात जचती नहीं है, बोलो जच रही है? सुख में दुख कैसे है, है ना? आगे करूं इसको? आओ, संसार के सब सुख में दुख है। क्यों बताऊं? सुख तुम्हें कब मिलता है? अपने सुख की पड़ताल करो। कोई भी कार्य में, किसी भी क्रिया में तुम्हें सुख मिलता है, वो कब मिलता है? हाँ, जब हम चाहते हैं वो मिल जाती है तो हमें सुख मिलता है ना? जब हम चाहते हैं वो हमें मिल जाती है तो सुख मिलता है, यही है ना? एक बार दोहराओ, बोलो, जो हम चाहते हैं वो मिल जाती है तो सुख मिलता है, ठीक है? तो जो चाहते हैं वो मिल जाए, मिलने पर तो सुख मिला, पर चाहना सुख है या दुख? तुम्हारी ये चाह जो है वो सुख है या दुख? पूछो अपने मन से, ये चाह क्या है? तब मतलब क्या हुआ? दुख से मिश्रित है ना, तो पहले दुख पैदा करो फिर सुख लो, पहले प्यास जगाओ फिर ठंडाई पाओ। अरे भैया, जिसको तेज प्यास लगी और ठंडाई के पीछे पागल है और ठंडाई पीकर सुखी महसूस कर रहा है वो अच्छा, या जिसके अंदर कोई प्यास नहीं वो अच्छा? कौन अच्छा? सुखी कौन? भूखा कौन? जिसने दो लड्डू खा लिए, दो थाली में हैं, और उसके बाद भी पड़ोसी के लड्डू पर जो नजर गड़ाए, एक तो वो है, और दूसरा वो जिसको खाने की इच्छा नहीं, किसको भूखा बोलोगे? वो, या जिसने दो खा लिए दो थाली में और पड़ोसी पे नजर गड़ा है, वो बोलो। तो दुखी कौन? जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है वो, या जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा है वो? समझ में आई बात? कितना बड़ा दुखी, जिसके हृदय में जितनी अधिक इच्छा वो उतना अधिक दुखी। सुखी कदाचित इच्छाओं की पूर्ति से हुआ जा सकता है, पर इच्छाएं तो दुख मात्र है, दुख की ही पर्याय है। जहां चाह वहां दाह, राह नहीं। चाह है वहां दाह है, और जहां दाह है वहां आह है, और चाह खत्म हो जाए तो वाह है, और यही राह है। समझ में आई बात? दुखैरन्तरितोदये, दुख मिश्रित है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, खनमित्त सुखा बहुकाल दुखा, पगाम सुखा अनिगाम दुखा, संसार मुखस विपक्ष भूया, खानी अनत्थानु काम भूया। ये काम भोग एक क्षण का सुख देते हैं, बहुत काल का दुख देते हैं। पगाम सुखा, सुख बहुत थोड़ा सा देते हैं। अनिगाम दुखा, दुख का कोई पैमाना नहीं। संसार मुखस विपक्ष भूया, संसार के मुक्ति के विपक्षी है। खानी अरथानुकाम भोया,
सारे अनर्थों के ये खान है, यहाँ भी चारी है। एक क्षण का सुख बहुत काल का दुख, थोड़ा सा सुख बहुत सा दुख। संसार से और मोक्ष की ये विपक्षी हैं और सारे अनर्थों की खान है। ये जानो और अपने आप को ऐसे वैसे सुख की लालसा से दूर रखो, यही निष्कांक्षपना है। चौथी बात, पाप बीजे, क्या है? पाप के बीज है। बीज का काम क्या होता है? किसी को बो तो उग जाए, जितना बोगे उतना उगेगा, बीज तो उसी को बोलते हैं। तो ये पाप के बीज है, इन सुख को भोगोगे तो पाप को बांधोगे। बोलो, पंच इंद्री के विषयों के सुख को भोगने से पुण्य होता है कि पाप? हाँ, क्या होता है? पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों को अगर कोई भोगता है उस समय उसकी कौन सी क्रिया है? तो पाप का बीज बो रहा है कि नहीं बो रहा है? तो ये सुख ही पाप का बीज हुआ ना। और पाप का बीज बोओगे तो उसकी फसल कौन काटेगा? उस फसल को कौन भोगेगा? तो बोलो, आज तुम जितने विषयों को भोगोगे कल उतने ही दरिद्र बनोगे। अपने भावी दरिद्रता का प्रबंध कर रहे हैं सब लोग। आज तो अलग रंगीनी मिजाज और रंगीनी दुनिया में जी रहे, रंगीनी ख्याल में जी रहे लोग, लेकिन कल उनकी जीवन की जो दुर्दशा होगी उसे भगवान ही जानते हैं। अपने आप को बदलो, इसलिए कहते हैं इस संसार का सुख, ये विषयों का सुख कर्म के अधीन है एक बात, अंत सहित है, थोड़े देर टिकने वाला है दूसरी बात, दुख से मिश्रित है ये तीसरी बात, और पाप का बीज है ये चौथी बात। इसे जानकर इन सुखों के प्रति अनास्था का भाव रखना, यही गृहस्थ का निष्कांक्ष अंग है। अनास्था मतलब इनमें ज्यादा चाव नहीं होना। देखो, मैं तुम्हें कहूं आकांक्षाएं मुक्त हो जाओ तो ये बेमानी बात है, न तुम होगे न हम होंगे, प्रवृत्ति है वहां आकांक्षा है। तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे अंदर भूमिकानुरूप भोगाकांक्षा भी है। हमारे अंदर तो भोगाकांक्षा नहीं है, तुम्हारी हिताकांक्षा हो सकती है। तुम्हारी हिताकांक्षा, स्वपर की हित की आकांक्षा हमारे हृदय में है, पर भोगों की कोई आकांक्षा हमारे लिए नहीं है। हमें धन वैभव नहीं चाहिए, हमें भोग विलास के साधन नहीं चाहिए, हमें यश नाम कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? अपना उद्धार, और अगर हो तो प्रशस्त भाव से लोगों का हित, संसार का कल्याण, धर्म की प्रभावना, ये मेरी आकांक्षा है। पर तुम्हारे अंदर भोगाकांक्षाएँ हैं, उससे मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, भोगाकांक्षा हो, लेकिन उसे उपादेय मत मानो, उसके प्रति आस्था ना हो, वो मेरा साध्य ना बने, वो मेरे जीवन की मजबूरी है, वो मेरे जीवन की व्यवस्था है। घर गृहस्थी में हो तो तुम्हें घर परिवार चलाने की व्यवस्था करनी होगी। अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह संयम नहीं रख सकते तो तुम्हें पंच इंद्रिय के विषयों का भी यथासंभव आलंबन लेना है, लो, पर उसमें प्रगाढ़ वांछा मत रखो, उसे विष मिश्रित मिष्टान की तरह गिनो। हे बुद्धि, उपादे बुद्धि ने, देखिए, हे बुद्धि और उपादेय बुद्धि में क्या अंतर होता? आप लोग मिठाई खाते हो, महाराज खाते ही हैं, सुबह की शुरुआत मीठे से करना चाहते हैं, है ना? कभी दवाई भी खानी पड़ती होगी, आजकल तो ज़्यादातर लोगों को दवाई खानी पड़ती है, एक बड़ा सिस्टम बदल गया। पहले लोग घर से बाहर जाते थे तो अपने साथ नाश्ते का और मिठाई का डब्बा लेके जाते थे, अब दवाई का डब्बा लेके जाते हैं। अंतर डब्बा तो है, लेकिन एक बात बताओ, दोनों को खाते समय मानसिकता कैसी रहती है? मिठाई किस मानसिकता से खाते हो और दवाई कौन सी मानसिकता से खाते हो?
हाँ, अरे मिठाई तो बिल्कुल चाव से खाते है ना, और दवाई बचाव के लिए, मिठाई में चाव और दवाई में मिठाई खाते हो और दवाई खानी पड़ती है, खानी पड़ती है। बस यही ज्ञानी की पहचान है, वो समस्त सांसारिक क्रियाएं करता है लेकिन इसके हृदय में वो चाव नहीं होता, कर नहीं रहा है, करना पड़ रहा, उसे लग रहा ये हे है, मुझे छोड़ना है। कब ये जी का जंजाल छूटे, दवाई कब छूटे है भगवान, मिठाई छूटे ये प्रार्थना तो कोई नहीं करता, पर दवाई छूटे ये भावना हर कोई भाते हैं। तो बस इसे दवाई की तरह रखो, लेकिन क्या करे, जिन्हें दवाई मिठाई बन जाए उनका क्या हाल है। तो भोगाकांक्षा को मंद करे, तीसरी बात, दुराकांक्षा को अपने चित्त पर हावी ना होने दे। भोगाकांक्षा दुराकांक्षा में कब परिवर्तित होती है समझते हैं, भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा में क्या अंतर है, पहले तो अंतर समझ लो। किसी भोग की आकांक्षा रखना भोगाकांक्षा है, पर मर्यादा को त्याग कर भोगों की वांछा करना दुराकांक्षा है। जहां मर्यादाओं का हनन है वो दुराकांक्षा की सीमा में है। तुम अपने नैतिक चारित्रिक और सामाजिक मर्यादाओं के बंधन में बंध करके उस सीमा में रहते हुए यदि भोगों का उपभोग करते हो तो वो भोगाकांक्षा है, उसमें हे बुद्धि रखो। लेकिन अपनी सारी सीमाओं को तोड़ देते हो, मर्यादाओं को खंडित कर देते हो, तो वो दुराकांक्षा है जो तुम्हारी आत्मा का पतन कर डालेगी। उससे बचो। तुम्हारे मन में लड्डू खाने की इच्छा हुई है, भोगाकांक्षा है, पर सारी लड्डू मैं ही खाऊं, क्या हो गया, दुराकांक्षा। दुराकांक्षा से बचने के लिए चार बातें हैं, चार बातों को आप ध्यान रखें। सबसे पहली, दुराकांक्षा मनुष्य की कई तरह की होती है, भोगों से संबंधित पहली बात, अपनी लिमिट को क्रॉस न करें, अपनी मर्यादा के भीतर रहें, ये संकल्प लें, मेरे जीवन की जो मर्यादाएं हैं मैं उसे किसी भी स्थिति में खंडित नहीं करूंगा, ये मेरे अंदर का वज्र संकल्प होना चाहिए। और यदि तुमने इस संकल्प में अपने आप को बांध लिया तो तुम्हारे मन में कोई दुराकांक्षा हावी नहीं होगी। बनाई है ऐसी कोई लिमिट, ऐसी कोई लिमिट, एक लाइन खींचिए, एक सीमा रेखा खींचिए, हर मनुष्य को खींचना चाहिए, वो रेखा तुम्हें संयत बनाएगी, वो रेखा तुम्हारे जीवन को सादगी से भरेगी, उसी रेखा के बदौलत तुम अपने जीवन को सुखी बना सकोगे। तो ऐसी रेखा होनी चाहिए, संयम की मर्यादा में जिए। है तुमने कोई लाइन खींच रखी है, बोलो, सीमा, विषयों की चाहत हो और तुम्हारी मर्यादा हो तो हर इस पुरुष को अपनी पत्नी के अतिरिक्त संसार की हर स्त्री में माँ, बहन और बेटी की छवि दिखेगी, हर स्त्री को हर पुरुष में पिता, भाई और पुत्र की छवि दिखेगी। है तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई मर्यादा? अगर ये मर्यादा है तो तुम भोगाकांक्षा की सीमा में हो, और यदि तुमने इस मर्यादा को खंडित कर दिया है तो समझ लेना तुम्हारे हृदय में दुराकांक्षाएं पनप रही है, उससे बच नहीं सकोगे। देखो, अपने आप को संभालो। खाने की इच्छा है, खाओ,
पर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाओ, स्वाद को ध्यान में रखते हुए नहीं। खाने की इच्छा भोगाकांक्षा है, पर स्वाद के लिए खाना और खाते ही जाना दुराकांक्षा है। कोई लिमिट नहीं। क्या हुआ, पहले माल खाओ फिर दवाई खाओ। कई लोग तो ये हाल हो जाते कि इतना खा लेते कि दवाई के लायक भी जगह नहीं बचती। लंपटता, ये तुम्हारी भोगाकांक्षा है या दुराकांक्षा? अपनी मर्यादा, अपनी सीमा का हर स्तर पर ध्यान रखना तुम्हें तुम्हारी भोगाकांक्षाओं तक सीमित कर देगा, दुराकांक्षाओं से दूर रखेगा। पहला सूत्र समझ में आ गया। दूसरी बात, धन को अपने जीवन का साधन मानना साध्य नहीं। धन को जीवन का साधन समझना साध्य नहीं। क्या मानते हो अभी धन को? जैसे तैसे कैसे भी पैसे हो, है ना? धनाकांक्षा बुरी नहीं है। तुम्हें जितनी जरूरत है अपने जीवन के निर्वाह के लिए संचित करो। और गृहस्थ का जीवन तो बिना पैसे के चलेगा नहीं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, धन का तुम्हारे जीवन में वही स्थान है जितना कि नाव के संतरण के लिए पानी के प्रवाह का। नीचे पानी हो तो नाव चलेगी, पानी के बिना नाव नहीं चलेगी। यहां डैम में जब पानी नहीं रहता तो नाव चलाना मुश्किल हो जाता है, है ना? पानी छूटता है तब नाव चलती है। तो पानी के, नाव के नीचे पानी का प्रवाह हो तो नाव चलती है, पानी के प्रवाह के बिना नाव नहीं चल सकती। इसलिए नाव को चलाने के लिए पानी का होना जरूरी है, पर यह ध्यान रखना भी जरूरी है, पानी नाव के नीचे हो, पानी नाव के भीतर ना हो। तुम्हें यही देखना है कि मेरी नाव के नीचे पानी है कि नाव के भीतर पानी है। पानी में नाव है या नाव में पानी है? इतनी सी तो समझ है, ज्यादा फेर नहीं है, पर इसी का फेर है। उलझ गए। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम धन का संग्रह मत करो, खूब धनाढ्य बनो, खूब धनाढ्य बनो। महाराज आज पहली बार आपसे सुन रहे धनाढ्य बनो, अभी तक तो जितने उपदेश सुनते कहते धन छोड़ो। नहीं, धर्मी के धनाढ्य होने में कोई बुराई नहीं है, खूब धन कमाओ। और एक बात बताऊं, जितना बड़ा धर्मी होगा वो उतना धनाढ्य होगा, क्योंकि पुण्याई उसके खाते में होती है और उसको संसार के सारे संयोग अच्छे मिलते हैं, वो धन वैभव के शिखर पर बैठता है। चक्रवर्ती जैसी संपदा धनाढ्यों की संपदा है जो सम्यक दृष्टि को मिलती है। खूब धनाढ्य बनो, लेकिन धनाढ्य बनना धनांध नहीं। क्या बोला, क्या बोला? थोड़ा जोर से। अंतर जानते हो धनाढ्य में और धनांध में अंतर क्या है? धनाढ्य वह है जो जितना धन पाए उतना ही उदारता अपनाए। जिसके पास धन के साथ साथ उदारता है वो धनाढ्य है, और जिसके पास धन के साथ मद है वो धनांध है। धनाढ्य व्यक्ति उदारता को आदर्श बना करके चलता है, उदारता अपनाता है, तो वो धन के प्रति आसक्त नहीं होता, धन को एक क्षणिक संयोग मानता है, हाथ का मैल मानता है, पर वस्तु मानता है, नश्वर मानता है, आज है कल रहे न रहे, जब तक है मैं इसका उपयोग करूं उपभोग करूं, स्व पर के हित में नियोजित करता है। और धनांध व्यक्ति
पैसे को ही अपना प्राण मान लेता है, पैसा ही उसका परमेश्वर हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति चमड़ी जाए पर दमड़ी जाए, दमड़ी न जाए वाले हालत में आ जाता है। वो उस संपत्ति को भोगता है, भोग नहीं पाता, उसी संपत्ति के संग्रह कर करके एक दिन अपनी दुनिया खत्म कर देता है। उसकी आकांक्षा अंतहीन होती है, वो पैसा कमाना ही नहीं चाहता, वो चाहता है एकाएक पैसा कमाऊं, फट से पैसा कमाऊं। मैं आपसे कहता हूं, पैसा कमाने की इच्छा बुरी नहीं, बहुत पैसा कमाने की इच्छा भी बुरी नहीं, पैसा कमाने की इच्छा बुरी नहीं, बहुत पैसा कमाने की इच्छा भी बुरी नहीं, पर जैसे तैसे कैसे भी तुरंत पैसा कमाने की इच्छा बहुत बुरी है। ये दुराकांक्षा है, इसके चक्रव्यूह में एक बार जो फंसता है मुक्त नहीं हो पाता। राजा मिडास का उदाहरण हम सबके सामने है, जिसके मन में धन पाने की विपुल चाह थी, उसने प्रार्थना की मुझे सोना मिले, वरदान भी मिल गया। कहानी में बहुत संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि अभी मुझे चौथी बात भी करनी है। खूब धन मिले, उसे ऐसा वरदान मिल गया कि तुम जिसे छुओगे वो सोना होगा, है ना। खुशी खुशी संदेश लेकर घर आया, जो छुआ सोने का हो गया। पत्नी ने उसे प्रेम से आलिंगन में ले लिया, वो पत्नी सोने की बेड़ी बन गई, वो उसी में जकड़ करके रह गया, है ना। कहानी है राजा मिडास की, है ना, पढ़ा होगा कोर्स में। ये कहानी काल्पनिक हो सकती है पर इसका कथ्य सत्य है। आज हर मनुष्य जिस धन की वांछा में अपना जाल बुनता है, खुद उसी में जकड़ करके रह जाता है। तो धनाकांक्षा हो पर धन की दुराकांक्षा न हो, धनांध मत बनना, धनाढ्य बनने की भावना भाना। स्वपर के हित में अपने दब का नियोजन करो, उसमें कोई हानि नहीं होगी। तो धनाढ्य बने, धनांध नहीं। हे माने, धन को अपने जीवन के निर्वाह का साधन माने, साध्य नहीं, है ना। आजकल के धनांधों की दशा क्या होती है? वो बड़ा कंजूस होता है, न खाता है न खिला पाता है। कुछ पंक्तियां हैं, कंजूस बाप को मरता हुआ देख बेटे ने बनवा लिया दो गुना बड़ा कफन। कंजूस बाप को मरता हुआ देख बेटे ने बनवा लिया दो गुना बड़ा कफन, सोचा मेरे पिता ने न कभी ठीक से खाया न ठीक से पहना, कम से कम मैं ओढ़ा तो सकूंगा दो गुना बड़ा कफन। अचानक जैसे ही बूढ़े की दृष्टि कफन पर गई, देखते ही बाप जी जोर से चिल्लाए, अभी मरा नहीं था, देखते ही बाप जी जोर से चिल्लाया और कहा, बेटे ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची, बेटे ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची, कपड़ा आखिर कपड़ा है, बेकार नहीं जाएगा, कपड़ा आखिर कपड़ा है, बेकार नहीं जाएगा, आधा मुझे उड़ा दे आधा तेरे काम आ जाएगा। नंबर 3, मन में महान बनने की इच्छा रखना महत्ता पाने की नहीं। महान बनने की इच्छा रखना बुरा नहीं है, मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा है। मुझे महत्व मिले इसमें भी कोई इच्छा नहीं, कोई खंतर नहीं, पर सारा महत्व मुझे ही मिले, यह अति महत्वाकांक्षा।
जो मनुष्य को भीतर से दुखी बनाती है ना, अपने घर परिवार से लेकर समाज सब जगह देखो, तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सम्मान मिले या सारा सम्मान मुझे मिले, क्या है ना। और लोग ये भूल जाते हैं कि मान देने से मिलता है, चाहने से नहीं। जितना मान दोगे उतने सम्मानित होगे, ये सूत्र अपने जीवन में आत्मसात करके चलो। मुझे ही सब, ये गलत, इससे अपने आप को जोड़िए मत, ये तुम्हें दुराभिमानी बनाएंगे, इससे जीवन का पतन है। तो ये दुराकांक्षा है, इससे बचिए। नहीं, जैसा मैं हूं वैसे और भी हैं, मुझे सबका सम्मान करना है, ये भाव अपने मन में रखिए, तो आप दुराकांक्षाओं से बचोगे। और चौथी बात, संयोगों की नश्वरता को सामने रखो तो मन में दुराकांक्षाएं कभी हावी नहीं होगी, और दुराकांक्षाएं समाप्त होगी तो जीवन धन्य होगा। तो आप गृहस्थों के लिए भोगाकांक्षा को कम करने की सलाह मैं दे रहा हूँ, और दुराकांक्षाओं से मुक्त होने की बात कर रहा हूँ। आज दुर्योधन की दुराकांक्षा के कारण ही महाभारत हुआ। पांडव तो बेचारे एकदम सरेंडर हो गए थे, 5 गांव में ही संतुष्ट हो गए, लेकिन दुर्योधन क्या कहता है, सुच्चाग्रम अपि न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। अरे केशव, राज भी क्या मांग कर लेने देने की चीज है, लड़ना है तो युद्ध लड़ो। मैं 5 गांव की बात तो बहुत दूर की, सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। नतीजा सबके सामने है, वो महाभारत तो द्वापर युग में हुआ और 18 दिन में पूरा हो गया, पर तुम देखो तुम्हारे घर में रोज महाभारत तुम्हारी इसी दुराकांक्षा के कारण तो हो रहा है। इस दुराकांक्षा को दूर करो, अपने आप को बाहर करने की कोशिश करो। अध्यात्म वही दृष्टि देता है जिससे तुम कर्म के सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देने में समर्थ बनोगे, वो सत प्रयास होना चाहिए। और चौथी स्थिति है निष्कांक्षा की, जिसके मन में कोई इच्छा ही ना हो, इच्छातीत अनिच्छा की दशा, वो एक योगी की दशा है, वो एक वीतरागी की दशा है, वो एक ध्यानावस्था की स्थिति है। जब साधक आत्म ध्यान में सलीन हो जाता है, सारी इच्छाओं से उपरीत हो जाता है, वहाँ पुण्य पाप की भी इच्छा नहीं होती। और वैसा साधक जो एक बार इच्छातीत हो गया, वो समझ लो अपनी भगवत्ता को प्रकट कर लेता है। भगवत्ता की प्राप्ति करना चाहते हो तो असद इच्छा या दुराकांक्षाओं को समाप्त करो। भोगाकांक्षाओं को मंद करते 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 पूरी तरह समाप्त कर दो तो इच्छातीत होने को तुम बन जाओगे, इच्छातीत अवस्था को प्राप्त कर लोगे। और वही इच्छातीत अवस्था का नाम भगवत्ता है, जिसमें हमारे जीवन की महत्ता है। तो वो निष्कांक्षपना वीतराग दशा में हो जब हो, पर कम से कम अभी ये तय तो कर लो कि मैं भोगाकांक्षाओं को प्रमुखता नहीं दूंगा, उनमें मेरी विशेष रुचि नहीं होनी चाहिए, उनके प्रति उदासीनता का भाव, उनके प्रति तटस्थता का भाव, उनके प्रति हे बुद्धि की भावना, यदि ये जग गई तो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाएगी। समय आप सबका हो गया है, मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवत् श्री विद्यासागर जी।